समाज सेवा में मुख्य भूमिका निभाने वाले अरुल अशोक अरोरा अब खेलों के प्रति भी खास रुचि लेकर विशेष भूमिका निभाने को तैयार है। अरुल अशोक अरोरा के नेतृत्व में सब जूनियर गर्ल्स फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन माह सितंबर में होगा, जिसमें फाइट ऑफ नाइट एकेडमी और साक्षी सुरक्षा फाउंडेशन का सहयोग रहा। ये प्रतियोगिता मध्यप्रदेश फुटबॉल संघ और नीमच जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में खेली जाएगी। नीमच के फुटबॉल प्रेमियों को बेहतरीन की शानदार सौगात मिलेगी। प्रतियोगिता 8 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य होगी। राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर कार्यालय का शुभारंभ विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कर कमलों से किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में पदक विजेता रहे कीर्ति राज सिंह चुंडावत और नेशनल फुटबॉल टीम में नीमच का नाम गौरवान्वित करने वाले अनंत शर्मा का अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों की नामी गिरामी टीमें हिस्सा लेगी और 450 खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। टूर्नामेंट के लिए राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम, सीआरपीएफ और नीमच शहर के विभिन्न खेल मैदानों को तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, सुरेंद्र सेठी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मन में उत्साह है, उमंग है, जो जूनियर बालिका की नेशनल प्रतियोगिता नीमच की लाल माटी पे होने जा रही है। फुटबॉल संघ और अन्य साक्षी फाउंडेशन, अरोरा और एमएमए और अन्य सहयोगी संस्थाएं जो इसमें सहयोग कर रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना चाहिए और ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की धरती पर नीमच जो अंतिम छोर में है वहां ये प्रतियोगिताएं हो रही है। इसमें जूनियर बेटियाँ आएगी और आज हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग जब स्वर्ण पदक, रजत पदक या मेडल प्राप्त करना होते हैं तो हम पिछड़ते हैं, मगर धीरे धीरे खेल को अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले समय में रजत स्वर्ण पदकों का हम ढेर सारे लेके आएंगे हमारे खिलाड़ी। खेल का वातावरण मिलना चाहिए और खेल वातावरण के लिए समाज का सहयोग आवश्यक है। जब इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में सब लोग सहयोग करते हैं तो खेल आगे बढ़ता है और मैं खुद भी फुटबॉल खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे मन में भी उत्साह है कि यहाँ पहले जब ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया गया था उसमें भी मैंने सहयोग किया था और लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वो हमें इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ कराएँ। नगर पालिका भी समय समय पर नगर पालिका के माध्यम से फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ कराती रहती है। मैंने विधायक ट्रॉफी भी यहाँ कराई है, आने वाले समय में और भी हम टूर्नामेंट यहाँ कराएंगे, मगर बेटियों के टूर्नामेंट हो रहा है। हम देखते हैं कि जीवन में आज बेटियों को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्र में सब लोग लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि बेटा भी बढ़े और बेटी भी बढ़े और पदक लेके आए। मुख्यमंत्री जी का सपना है बेटे भी बढ़े और बेटियाँ भी बढ़े और पदक लेके आए। जब नीमच का नाम इस टूर्नामेंट की वजह से पूरे भारत में होगा तो हमको अच्छा लगेगा। और आज मैंने माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो केंद्रीय मंत्री थे, अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे भी बात की है। खेल मंत्री जी को भी मैंने, विश्वास सारंग जी को भी पत्र लिखा है कि वो नीमच में आए और ये टूर्नामेंट में अतिथि बन के आए और ये देखें कि नीमच खेल प्रेमियों का नगर है और नीमच में खेल को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए आज यहाँ खेल प्रेमियों से और फुटबॉल संघ के फुटबॉल प्रेमियों से भी अपील करूँगा कि इस टूर्नामेंट में जितना सहयोग हो सके, क्योंकि हमारी बेटियां देश की आ रही है जो खेल के मैदान में उतरती है। खेल के मैदान में हर कोई नहीं उतर सकता है, जो लोहे के चने चबा सकता है वही उतर सकता है। और फिर बेटियां आ रही है तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में बेटियों का सम्मान हो रहा है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि नीमच में जो बेटियाँ आ रही है जब टूर्नामेंट से संदेश लेकर जाए पूरे देश में, तो नीमच के खेल का नाम पूरे देश। नीमच के लिए निश्चित ही ये गौरव की बात है और मध्य प्रदेश में पहली बार जो सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, होने जा रहा है, वो 8 सितंबर से 17 सितंबर की हमारी डेट्स रहेंगी। और बहुत ही हर्ष की बात है कि बहुत सारे टीम्स पूरे इंडिया से नीमच में आ रही हैं, 450 बेटियाँ यहाँ खेलने आ रही हैं, वो अपना हुनर यहाँ दिखाएंगी। और यहाँ पर हमारे नीमच में बहुत सारे संगठन आगे आए हैं, साक्षी सुरक्षा फाउंडेशन, CRPF, फाइट्स ऑफ नाइट, नगर पालिका नीमच, सभी मिलकर इस आयोजन को और भव्य देंगे, बनाएंगे और आप सभी का सहयोग अपेक्षित।